हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज हम बनाएंगे ढोकला की रेसिपी और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1 टीस्पून जो है नमक लिया है सफ़ेद, 1 टेबल स्पून जो है चीनी ली है और ये 1 कप पानी लिया है। ये पानी ज़्यादा भी लग सकता है और थोड़ा भी लग सकता है। और ये 1 नींबू लिया है मैंने, ये भी इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोलेंगे। जो लम्स ना पड़ जाए देखिए, हमने अच्छी तरह से घोल लिया है, जो लम्स भी नहीं है इसमें। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जो है हल्दी डालेंगे, आधे से भी आधा। ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बेसन मीडियम होना चाहिए, तभी ढोकला बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, कितना बढ़िया बैटर बना है। अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए ढककर रेस्ट पे छोड़ देंगे। मिलते हैं 1/2 घंटे के बाद। अब हम पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे। हम इतना पानी रखेंगे कि 25 मिनट तक, जब तक ढोकला बने तो उतने देर तक पानी चलना चाहिए। देखिए पानी गर्म हो गया है। या तो इसमें स्टैंड रख दें, या स्टैंड नहीं है तो कोई भी बर्तन आप इसमें रख सकते हैं। ये मैंने कोई बर्तन रख दिया है और अब हम इसको 1/2 घंटा हो गया है। अब हम इसमें 1/4 स्पून जो है खाने वाला सोडा डालेंगे और 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डालेंगे और अब जल्दी से इसको हम घोलेंगे। अब देखिए इसमें कितने झाग आ गए हैं बेकिंग पाउडर और सोडा डालने से। ये मैंने केक टिन में जो है वो बटर पेपर बिछा लिया है, तैयार कर लिया है। अब इसमें हम फटाफट से इसको डाल देंगे और रख देंगे बनने के लिए। ये देखिए कितने झाग आ गए हैं इसमें। इसको टैप करेंगे और इसके अंदर रख देंगे। और इसको अब ढक देंगे। 25 मिनट के बाद हम देखेंगे जब ये बन जाएगा। और अगर बीच में भी हम देख सकते हैं बना है कि नहीं बना है। देखते हैं अब ढोकला बना कि नहीं बना। ये देखिए चाकू जो है साफ निकल रहा है बिल्कुल, इसका मतलब ये ढोकला तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसको निकालेंगे ठंडा होने रखने के लिए।
ठंडा करेंगे। हम ढोकले के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी ली है, 2 चम्मच राई ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और ये 6 हरी मिर्च ली हैं जिनको मैंने बीच से काट लिया है और ये 1 नींबू का रस है। ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें जो है राई डालेंगे। अभी हम ये हरी मिर्च डालेंगे। ये मैंने मिर्चें बीच से चीर ली हैं। अब ये देखिए हमारा तड़का जो है तैयार हो गया बिल्कुल। अब हम गैस बंद करेंगे। ये नींबू का रस डालेंगे। अब हम इस ढोकले को निकालेंगे। ये प्लेट लगा के निकालेंगे। ये देखिए हमारा ढोकला ठंडा हो गया और ये देखिए कैसे स्पॉन्जी बना है। अब हम इसको काटेंगे। आप जैसे भी पीस, बड़े पीस काटने बड़े पीस काटो, छोटे काटने छोटे काटें, जैसे भी काटने ने काट लिए। अब हम इस पे तड़का डालेंगे। ये तड़का जितना ही ढोकला ज़्यादा रस में डूबेगा उतना ही टेस्टी लगता है। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। देखिए हमारा ढोकला तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए हमारा ढोकला कितना ही सॉफ्ट, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ओके बाय, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।